जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने विशेष कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में, विशेष यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम नई नई इन्फॉर्मेशन, नए नए राशि फल के तरीके सब कुछ आप तक पहुंचा पाएं, जिससे आप लोग धर्म के सही मार्ग पर चल करके अपने जीवन को खुशहाल बना पाएं। हमारा एकमात्र उद्देश्य रहता है कि आपका जीवन बेहतर हो। आपका जीवन बेहतर होगा, आपका जीवन खुशहाल होगा, तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं आप सभी के लिए जो वृष राशि का राशि फल है, वो भी जुलाई महीने के लिए। तो वृष राशि के जातक बहुत ध्यान से राशि फल को सुनेंगे और क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार इस माह को व्यतीत करना है, उस पर विशेष ध्यान देंगे। इस माह आपके राशि स्वामी जो शुक्र हैं, वो द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं सूर्य और राहु के साथ। सूर्य भी एक प्रकार से कम पापी लेकिन पापक ग्रह है और राहु भी विशेष रूप से पापक ग्रह माना जाता है। राहु सूर्य का ग्रहण योग भी द्वितीय भाव में विद्यमान रहेगा और शुक्र दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जाकर के फंसा हुआ रहेगा। यानी कोई भी कार्य लास्ट मोमेंट पर जाकर के होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लास्ट तक अपना प्रयास में किसी प्रकार का ढीलापन नहीं दिखाइएगा। यदि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य है और जब आपको लग रहा है कि यह कार्य अब तो हो गया और वहां पर आपने जैसे ही ढीलापन दिखाया, वैसे ही आपके कार्य में नुकसान हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लाइफ पूरे महीने कहीं ना कहीं उलझी हुई लगेगी, लाइफ बंधन में लगेगी, मतलब कुछ भी मेरे अनुकूल नहीं हो रहा है, ऐसा फील होगा। ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव की नियमित रूप से आराधना करना है और कोई भी कार्य जब तक संपूर्ण ना हो जाए तब तक अपने आप को पूरी तरह से उस कार्य के प्रति लगाए रखना है। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ा सा भी आलस्य आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकता है, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्योंकि राशि स्वामी शुक्र सूर्य और राहु के साथ हैं, हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। एक तो षड्यंत्र से बचना होगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं और चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या आप गृहिणी इत्यादि भी हैं, तो वहां भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, षड्यंत्र से बचना होगा। आपके अगर जॉब कर रहे हैं तो जो आपको अपने दिख रहे हैं वो आपके प्रति षड्यंत्र बनाने का प्रयास करेंगे, और अगर घर में हैं तो पारिवारिक लोग आपके प्रति षड्यंत्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक तो षड्यंत्र से बचना है और दूसरा किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते वक्त पिता को प्रणाम करके आपको जरूर जाना है। पिता को प्रणाम करके जाएंगे, निश्चित रूप से आपके कार्य में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब अगर बात करते हैं तृतीय भाव की, हम बात करेंगे इस राशि फल के विषय में। तृतीय भाव में मंगल और बुध एक साथ गोचर करेंगे, मंगल नीचस्थ होकर गोचर करेंगे तृतीय भाव के अंतर्गत। आपको प्रदेशिक यात्राओं का सुंदर योग बनेगा और प्रदेशिक यात्राओं से आपको सुंदर लाभ की भी प्राप्ति इस महीने जरूर होगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई कार्य नहीं करना है। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है, धर्मशास्त्र भी कहता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य को जल्दबाजी में आकर के नहीं करना है, सोच विचार करके ही कार्य पर आगे बढ़ेंगे तो कार्य निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होगा, आपका साथ देने वाला होगा। भाग्य इस माह अगर उठा करके देखा जाए तो पूरी तरह आपके साथ है, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि का सुंदर योग बनने वाला है, लेकिन प्रमोशन के लिए हमें करना क्या होगा, भगवान हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से हमें जरूर करनी होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला है और इस महीने में उसकी महत्वपूर्ण तारीखें पड़ रही हैं, अगर वो तारीख जो है वो जाकर के 15 तारीख के बाद पड़ रही है तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में रहने वाली है, लेकिन यदि 15 तारीख से पहले वो तारीख कहीं जाकर के पड़ रही है तो फिर हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, ऐसी परिस्थिति में दिक्कत उत्पन्न होने का योग बनता है। करना क्या होगा आपको, जिस दिन भी तारीख पर जाना हो उस दिन हरी सब्जी थोड़ा सा साथ में लेकर के जाएं और आप आसपास जो भी कोई गाय दिख जाए, नहीं कोई गाय है तो मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को जरूर वो सब्जी, हरी सब्जी खरीद करके, मतलब बनानी नहीं है, कच्ची सब्जी ले जा करके और मंदिर में ब्राह्मण को या तो प्रदान करें या गाय इत्यादि दिखे तो उनको सेवन करा दें, उनको खिला दें। ऐसी परिस्थिति में जो कोर्ट कचहरी संबंधित आपका कार्य है, निश्चित रूप से वह कार्य आपका बनने वाला है। प्रेम संबंध यदि चल रहा है और उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये माह आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है। प्रेम के इजहार के लिए महीना आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध वक्री होकर के तृतीय भाव में हैं और लग्न के जो राशि के स्वामी हैं वो शुक्र द्वितीय भाव में हैं। वक्री होने कारण दोनों का आपस में संबंध बन रहा है, प्रेम संबंध को शादी में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास किया गया, इस माह निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। कुछ दिक्कतें जो इस महीने आ रही हैं उसके लिए आपको क्या करना है, श्री रामचरित्रमानस के
सुंदरकांड की बहुत सुंदर चौपाई, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजह मोही। श्रद्धापूर्वक इस चौपाई का रोज 3 बार पाठ कर लेंगे, आपके माह में आने वाली सभी दिक्कतें दूर होंगी और आपका जो महीना है सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नए नए कार्यक्रम आप तक पहुंचा सकें, और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए संस्थान का नंबर दिया जा रहा है, कॉल करके पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।